आज ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। तो आज हम लोग आए हैं डी कैथलॉन जो कि होस्कूटर के पास है, और ये रहे पतिदेव। हेलो। तो चलिए दिखाते हैं हम लोग क्या क्या लेते हैं। जल्दी आ जाओ भाई। ये डीकैथलॉन का एंट्रेंस है। पहले जब हम लोग यहाँ पे रहा करते थे ना, हम एवरी संडे हम लोग यहीं पे आते थे अपना टाइम पास करने के लिए। तो चलते हैं अंदर, क्या ऑफर है क्या नहीं देखते हैं। हम लोग देखो अंदर आ चुके हैं और देख रहे हैं, कुछ ढंग का मिलेगा तो लेके जाएंगे। कुछ ऐसा कलेक्शन है, बहुत सारी कलेक्शन है, सारे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं, देखते हैं कुछ मन करे तो ले जाएंगे। टेंट हाउस साहब कोई ले रहे हैं, उसको भी रेडी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं डेमो। पूरा फैमिली वाला है, पूरा फैमिली इस पर आ जाएंगे। गाइस पसंद तो सब आए, लेकिन लेने के लिए कुछ नहीं था। इसको भी कुछ पसंद नहीं आया, दोनों को कुछ पसंद नहीं आया। सभी पुराना पुराना चीज़ है, कुछ नया डिज़ाइन तो दिख ही नहीं रहा था, सभी पुराना दिख रहा था। हाँ सारे रिपीट है, क्या वो सेम चीज़ को वापस लेना है। देखो बारिश के लिए गाड़ी कितना गंदा हो गया, डस्ट आ गया गाड़ी में। बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है बेंगलोर में, पता नहीं बेंगलोर का मौसम ऐसे ही है, कुछ ना कुछ होते रहता है, हर बार कुछ ना कुछ बारिश होते ही रहता है। चलो गाइस चलते हैं। गाइस अभी आए हैं हम लोग फ्लावर पॉट लेने के लिए। हमारे बॉन्साई ट्री एक है, बनियन ट्री, तो उसके लिए पॉट देखने आए हैं। और ये देखो बहुत सारे पौधा है यहाँ पर, पॉट देखते हैं, कुछ चॉइस करते हैं बॉन्साई वाला पॉट। तो गाइस बारिश हो चुकी है स्टार्ट, कितनी जोरों से बारिश हो रही है बैंगलोर पे आप देख सकते हो। इस बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मजा कुछ अलग है, सही है ना? सही है, बिल्कुल सही है। मेरा गाड़ी जो इतना गंदा हो रहा है ना, मेरा तो दिल पे पूरा पत्थर लग रहा है भाई बारिश के साथ। थोड़ी पत्थर रख लो दिल पे, फिर देखते हैं। इतना अच्छा से साफ करके रखा था गाड़ी, अभी फिर धुल जाएगा। देखो धुल जाएगा, कचरा हो जाएगा पूरा, कुछ कचरा नहीं होगा भाई। बैंगलोर की बारिश का तो कुछ भरोसा ही नहीं है, कभी भी हो सकता है। धो धा के ढक के घर पे रखो, यूज मत करो। यार ये मौसम सही में बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब दूसरे जगह पे लोग सर्दी पे कांप रहे हैं और हम लोग यहाँ पे बारिश के मजे ले रहे हैं। सही है ना? गाइस हम लोग अभी घर आके पहुंच चुके हैं, करीबन 5-10 मिनट हो गए हम लोग घर पहुंचे। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, और मैं कुछ पौधे भी लेके आई हूँ जो कि मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी। तो आप कुछ बोलोगे? ठीक है, कल बात करते हैं सुबह।